हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेज। पीके स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। यह गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ इनके लिए है जिनकी अभी तैयारी पूरी हो नहीं पाई थी। मैं बात करना चाह रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पोस्ट कोड 2 और 4 का एग्ज़ाम होने वाला था 29 तारीख को, और जिसका एडमिट कार्ड आ जाने वाला था, इसका एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुका है। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट आई है दोस्तों, वह 12 नवम्बर को होगा, और जो एडमिट कार्ड अब अवेलेबल होगा वह 4 नवम्बर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यह पोस्ट कोड 2 और 4 की बात हो रही है, क्योंकि पोस्ट कोड 1 और 3 का तो एग्ज़ाम हो चुका है। तो पोस्ट कोड 2 और 4 का आज जो एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होने वाला था, उसका अब 4 तारीख को आप लोगों को एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड आएगा वो 4 तारीख को आएगा। आइए मैं आपको इसका ऑनलाइन दिखाता हूँ कहाँ पर नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। यह वेबसाइट आप देख रहे हैं, होम पेज है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्टेनोग्राफर का एडमिट कार्ड आया था, ड्राइवर वाला एडमिट कार्ड आया था, उसका ये होम पेज है। इसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से ओपन कर सकते हैं। यहां पे आप देखिए राइट हैंड पर लिखा हुआ है साइन इन फॉर एग्जिस्टिंग यूजर। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर देखिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और डेट ऑफ बर्थ आएगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिएगा। इसके बाद लॉगिन कीजिएगा दोस्तों। लॉगिन जैसे करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है योर टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट इज 12/11/17, और यू मे डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। देखिए लिखा हुआ है 4/11/17, अर्थात 4 तारीख से आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ये कुछ इशू था जिसके कारण यह एग्ज़ाम जो है चेंज हो गया है। एग्ज़ाम डेट 12/11 को हो गया है, 12 नवंबर को। तो उनके लिए अच्छी बात है दोस्तों, जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, जिनको अभी कुछ बाकी था पढ़ना, जैसे किसी का इंग्लिश की प्रॉब्लम थी या किसी को हिंदी की, तो उनके लिए अभी बहुत समय बचा है, लगभग 20 से 25 दिन लगभग बचा है। तो आप लोग अब उसमें फिर मन लगा कर पढ़िए, ताकि आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है कवर हो सके दोस्तों। और इसमें आप लोगों को पता है कि इसमें जो पोस्ट कोड 2 है, इसमें कंपटीशन अधिक है। तो आप लोग पोस्ट कोड 2 वाले मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो कम से कम अधिक से अधिक नंबर लाएंगे, क्योंकि पोस्ट कोड 2 में बहुत सारा कंपटीशन है। तो आप लोग, मैं खासकर पोस्ट कोड 2 की बात कर रहा हूँ, उसमें कम से कम नहीं तो 70 से 80 नंबर लाए तभी कुछ प्रॉब्लम बात हो सकती है, क्योंकि पोस्ट कोड 2 में बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है दोस्तों। लास्ट में मैं यही कहूँ